जैन फ्रेंड्स आपका स्वागत है एक्सीलेंस वाई ए पी एस यूट्यूब चैनल पर मैं ए पी एस आपका स्वागत करता हूँ आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल एंड एक्सीलेंस स्कूल प्रैक्टिस सेट पेपर ठीक है प्रैक्टिस सेट पेपर फाइव फर्स्ट है ये इसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट पेपर इंग्लिश मीडियम के पाँच लेके आऊँगा उनमें से आपके बहुत ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो आ जाएंगे इनमें से ठीक है तो आप इन क्वेश्चन को लिखते जाएँ और याद भी करते जाएँ जिससे कि आपके एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है ना बहुत ही हेल्पिंगफुल होंगे और यदि आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारे नंबर भी आपके इसमें बन जाएंगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे ठीक है हिंदी मीडियम के जो सॉल्व पेपर है वो पहले से ही चल रहे हैं ठीक है थीके? तो उनमें कोई टेंशन नहीं लेना है यदि इससे संबंधित कोई आपके डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं, कि नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों के साथ शेयर कहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर तो क्वेश्चन यहां यहाँ पर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाइफ ऑफ राजा लक्ष्मण सिंह इसका जो आंसर सी करेक्ट आंसर रानी अभिताभ बाई ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रानी अफ्ताबाई ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड जंगल सत्याग्रह है क्राइड आउट अंडर लीडरशिप ऑफ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दुर्गा शंकर मेहता दुर्गा शंकर मेहता इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड Bar between India's and China's was fought, fight. Option B, B October Undersubasat. B October Undersubasat is the correct answer and important question. Next, question number five, four. The reason of war of 1965 between India's and Pakistan was option A is the right answer. The area of रन ऑफ कोच ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव लक्स ऑफ रिगारिगिस कैम टू इंडिया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बांग्लादेश बांग्लादेश इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स बांग्लादेश कैम इन टू विगेन एज ए सिक्वेंट टू दाउज इंडो पार्क वार ऑफ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नाइनटीन सेवेंटी वन नाइनटीन सेवेंटी वन इज़ द राइट आंसर एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन द चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स एंड चेयरमैन ऑफ द एटमिक एनर्जीज डिपार्टमेंट ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम इज़ द आंसर एंड मोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन को लिखते जाएँ सभी बच्चे और याद भी करते जाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर सेल्फ रिलियंस इज द राइट आंसर सेल्फ रिलायंस इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर इंटरनेशनलाइज्ड अंडर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज़ द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इंडियन एडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नाइनटीन नाइंटी वन नाइनटीन नाइंटी वन इज़ द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन बिच ऑफ द स्वल्विंग इज यूज टू मेजर्ड ब्लड प्रेसर ऑप्शन सी Sphagnometer meter is the right answer option c and most important question of this year next question number 12 lungs inhales dot dot and exhales dot dot from the ear option c oxygen and carbon dioxide is the right answer and most important questions so learn now and write now next क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द प्रोसेस ऑफ इज हीटेड टू ऑप्शन ए सेवेंटी डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी option c is the right answer solar cell solar cell is the right answer and most important question so learn now and write now question number 13 sorry 15 who is now as the father of byte revolution option b james Korean is the right answers b option and important questions this question is many times repeat of excellence and model school entrance exam so, most important questions of this year Question number 16 Full form of TV is Option D is the right answer to your closest to your is The right and no, rightful form of TV Next question number 17 The chemical formula of calcium carbonate is option C CaCO3 is the right answer and most important question सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन ऑर्गेनाइजेशट वर्क फॉर देलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यूनिसेफ यूनिसेफ इज द राइट आंसर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तरुवर का अर्थ होता है तरुवर का अर्थ क्या होता है विशाल ब्रज तरुवर का अर्थ होता है विशाल वृक्ष ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यदि वाक्य में शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन अर्थ अनेक निकलते हों तो यह है अलंकार है ऑप्शन सी श्लेषमा कौन सा अलंकार है श्लेषमा जहाँ कोई एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त तो प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों अर्थात एक से अधिक अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उभरे मोती मानस चून ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन छः ऋतुओं में यह एक समृद्ध नहीं है कौन सी समृद्ध नहीं है ऑप्शन बी से सब्य जो है ना इसका सम्मिलित नहीं है ऋतुएं ग्रीष्म वर्षा हेमंत शीत बसंत और शरद से सब आयु की एक अवस्था होती है इस तरह से ये आपकी ऋतुएँ हैं ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एक डोर डॉट घटना अचानक आकार एक क्षण में घट गई और एक युवा प्राण संसार से उठ गया ऑप्शन सी आप्रत्याशित ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर है अप्रत्याशित इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री निम्नलिखित शब्द वाण का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन सी पिनाक पिनाक जो है ना इसका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पवित्र का संधि विग्रह क्या होगा ऑप्शन ई पो प्लस इत्र ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव नीलोपल में समाज कौन सा है ऑप्शन ई कर्मधारे समाज है कौन सा समाज है कर्मधारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है ऑप्शन डी कांति की जो है ना बर्तनी अशुद्ध है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है ऑप्शन डी वित्तिक्रम जो है ना इसका वर्तनी अशुद्ध है ये राइट आंसर होगा इसका ठीक है वादा की साक्षी वज्र समग्र प्रदर्शनी पूजनीय नायक और पुल्डिंग इस तरह से लिखे जाएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कौन सी वर्तनी शुद्ध है तो इसका जो ऑप्शन बी है परलौकिक इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है नेक्स्ट हरिद्वार ऐसे लिखेंगे शुशा ऐसे लिखेंगे दीक्षा पर्षद राजनीति और स्वयं स्वयंबर ऐसे लिखेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन चीड़ाशु शब्द का अर्थ क्या होता है ऑप्शन सी कौड़ी क्या होता है कौड़ी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी निर्यात शब्द का ब्लॉग है निर्यात शब्द का ब्लॉग होता है आयात ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आंगन का पर्यावाची शब्द है ऑप्शन डी अजर अजर जो है ना इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आंगन के पर्यावाची शब्द अंगना अजरा और प्रंकड़ आश्रम के पर्यावाची शब्द होते हैं मठ विहार कुटी अखाड़ संग और उक्ति के पर्यावाची होते हैं कथन वचन और सुक्ति ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कौन सा शब्द तद्भव है तो इसमें जो ऑप्शन डी है सूरज इसका, तो इसका सही आंसर है ये शब्द जो है ना तद्भव है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री खंडन का ब्लोम क्या है तो ऑप्शन सी अखंडन ऑप्शन सी इसका सही आंसर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है अखंडन ठीक है नेक्स्ट बाद बाकी ये आपको दिए गए हैं शब्द के प्रोम मनोज का दनोज भोगी का योगी मोश का वृक्ष भद्र का मुक्त नीरस का सरस ठीक है फिर यहाँ से आपका इंग्लिश स्टार्ट होता है मीनिंग ऑफ यर मे नॉट वी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर जस्ट जस्ट इज द राइट आंसर ओके ए ऑप्शन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पिक द ऑड वर्ड आउट इसमें से हमें ऑड वर्ड को है ना ढूंढना है तो फ्रेम जो है ना इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ऑफ एंड ओन मीन्स ऑफ एंड ओन मीन्स का क्या होता है ऑन एंड देम देन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन दिनोनियम ऑफ सिग्निफिकेंट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इम्पोर्ट इम्पोर्ट इज द राइट आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द एक्सलरीज वर्व ऑफ फ्यूचर्स परफेक्ट टेंस मे भी ऑप्शन सी इज़ द रइट आंसर विल हैव विल हैव इज़ द रइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ए मीनिंग ऑफ फ्रेसिस कैरी आउट मे भी ऑप्शन सी एक्सेट एक्जिट इज़ द रट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच इज़ नॉट ए गुड पेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सॉफ्ट एंड सॉफ्टन सॉफ्ट एंड सॉफ्टन इज द राइट आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ब्लाड परसन यूज स्क्रिप्ट फॉर रिगार्डिंग एंड एंड राइटिंग एंड राइटिंग तो इसका जो ऑप्शन ए है ना बिलली इसका सही सही आंसर है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू साइन एक्सट्रोमेट्री डी नोट ए मार्क ऑफ इसको हम एक्सोमेटी मार्क बोलते हैं एक्सोमेशन ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इफ स्प्रिट मीन स्प्रिट मैन्यूज इज द रिगार्डिंग इट्स मीनिंग्स वुड बीस ऑप्शन ए टूल इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है टूल टूल इज़ द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द सेंटेंस विल वी विल लीव एंड वी फिनिश और लंच वे बीज कॉम्बाइंड वाई यूजिंग ए ऑप्शन एज सून एज इज़ द रट आंसर एज सून एज इज़ द रईट आंसर वी लीव वी विलीव एंड वी फिनिश और लेंच मे बीस कम्वाइं यूजिंग सेज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही एफ का अर्थ होता है यदि अनलैस का होता है यदि नहीं ठीक है अनटिल का होता है जब तक नहीं तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में हमें कुछ स्कॉयर से दे रखा है द डिग्री ऑफ लेटर्स सेल बीस्ड टीटेट्स एस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन कम्परेटिव कंपेरेटिव इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वाटर विच इज़ फिट सेफ टू ड्रिंक बाय हु इज कॉल्ड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर पोर्टेबल पोर्टेबल वाटर उसे बोलते हैं जो मनुष्य है ना साफ सुथरा पानी यूज करता है उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन I want to change the sentence. He write a letter to fast and negative sentence. This may be right verb pattern. Option C is the right answer. Did not write. Did not write. Option C is the right answer. An impudent question. Next question number forty-eight. Things which is travelers carries with him in roads. इज ए कॉल्ड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लगेज लगेज इज द राइट आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन एज द इकोनॉमी डेवलॉप्स द शेयर ऑफ टेटरीज सेक्टर्स इज देशनल्स इनकम्स टेटरी सेक्टर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इनक्रेजिज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इंक्रेजिज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दीन्स ऑफ ट्रांसफोर्टेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इस तरह से हमने पार्ट ए इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट को कम्प्लीट कर लिया है इसके नेक्स्ट हम पार्ट सेकेंड में डिस्कस करेंगे फिफ्टी वन से हंड्रेड तक का क्वेश्चन ठीक है यदि इससे संबंधित कोई आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और यदि इससे संबंधित कोई आपकी कॉरी है कोई डाउट आपको लगता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है और कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित तो वो भी आप हमसे डिस्कस अवश्य करें ठीक है और वी वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जैसे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके जय हिंद फ्रेंड्स जय हिंद स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग